नमस्ते, मिनी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज तो जो मैं रेसिपी लाई हूँ ना, वो टिफ़िन के लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया है। इसको मसाला राइस बोलिए या फिर हल्की फुल्की बिरयानी ही बोलिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज, आलू, टमाटर और लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा सब मैंने कट करके रख लिया है, और सोयाबीन को उबाल के और उसका पानी निचोड़ के वो भी रख लिया है, और चावल मैंने 2 घंटे भिगो के रखे थे तो उसका भी अच्छी तरह से धो के और उसको भी रख लिया है मैंने। और फिर इधर कुकर चढ़ाया है, तो कुकर में डाला है मैंने तेल और थोड़ा सा घी। तेल डालना इसलिए ज़रूरी है ना कि घी जलने लगेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा तेल डाला है मैंने। और फिर डाला है जीरा और 2 हरी मिर्च डाला है मैंने। मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैंने बच्चों के हिसाब से ही बनाया है। और फिर डाला है मैंने 1 प्याज। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो ना तो प्याज भी आप मतलब ज़्यादा ही लीजिएगा, जैसे मेरा तो चावल कम था उसी हिसाब से मैंने सब लिया है। और टमाटर भी डाला है मैंने थोड़ा ही, हालांकि इसमें टमाटर अच्छी क्वांटिटी में जाता है, टमाटर था नहीं मेरे पास इसीलिए मैंने 1 ही डाला है। और फिर दोनों को अच्छी तरह से भून लेंगे, और भूनने के बाद फिर इधर अदरक और लहसुन को मैंने कूट के ही डाला है, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और फिर डाला है मैंने आलू, और फिर डालूँगी सोयाबीन। सोयाबीन को नमक डाल के बॉईल कर लीजिएगा, जिससे कि नमक उसके अंदर तक चला जाए, नहीं तो फीका फीका सा लगेगा मुँह। और फिर इनको अच्छी तरह से भूनूंगी थोड़ी देर और। और फिर डाला है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सीम आँच पे ही सबको भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब थोड़ी देर भून जाए, उसके बाद फिर मैंने डाला है चावल जो मैंने धो के रखा था। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो चावल यूज किया है ना, वो सिंपल चावल है, मतलब बासमती राइस नहीं है, जो डेली में खाते हैं वही चावल है। और इससे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सूखे मसाले, तो डाला है हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा बिरयानी मसाला। और फिर थोड़ा सा डाला है मैंने किशमिश, आप काजू भी डाल लीजिएगा, क्योंकि मेरी बेटी काजू नहीं खाती है ना, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ वो। मैं किसी भी चीज़ में ऐसे खीर बनाऊँ या सेवई बनाऊँ, किसी भी चीज़ में मैं काजू नहीं डालती हूँ, वो नहीं खाती है काजू। और थोड़ी देर इनको भूनने के बाद सब्जियों को, उसके बाद फिर चावल को डालूँगी, और इसको भी थोड़ी देर तक मैं भूनूँगी, सीम आँच पे ही सारा प्रोसेस करेंगे। ये टिफ़िन के लिए बहुत बेस्ट आइडिया है, मतलब सुबह में फटाफट बन जाएगा, हस्बैंड को दीजिए या बच्चों को दीजिए, बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे बेटे को तो खैर बहुत ही पसंद आता है, और कोई सब्जी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और टिफ़िन पूरा खा के भी आता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। वैसे भी जब हस्बैंड नहीं रहते हैं तो ज़्यादातर मैं लंच में भी यही बनाती हूँ, कौन अलग से फिर दाल वाल बनाए, दाल है तो बच्चे उतना पसंद करते नहीं हैं। चलिए, तो फिर थोड़ी देर भुनने के बाद ना इसमें फिर मैंने पानी डाला है, तो इसी ग्लास से मैंने 1 गिलास चावल लिया था, तो 2 गिलास पानी डाला है मैंने। और थोड़ा सा लास्ट में मैंने गरम मसाला डाला है, खड़ा गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ, बच्चों की वजह से मुंह में आता है तो फिर गुस्सा करते हैं, तो मैं पाउडर ही बना के रखती हूँ, तो वही डाला है मैंने। और फिर 1 विसल लगा लेंगे इसका, और जब सीटी छोड़ दिया उसके बाद फिर देखिए चावल कितना अच्छा बना है, और इतना टेस्टी लगता है ना, इसके साथ कुछ और चाहिए ही नहीं, बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो थोड़ा सा रायता बना सकते हैं इसके साथ खाने के लिए, लेकिन ये जो रेसिपी है मैंने झटपट के लिए बताया है कि चलो फटाफट बना लिए, कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने ऐसे ही प्याज की भुर्जी बनाई थी, मतलब प्याज कट करती हूँ और उसमें थोड़ा सा अचार का मसाला, नींबू का रस डाल के और अच्छी तरह से उसको मिला के नमक वमक डाल के, बहुत अच्छा लगता है ये, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो वही बनाया था मैंने। तो यही थी आज की रेसिपी, अगर आप लोग को अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।